أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم: من مانا میری من مانا میری آواز نہیں جائے درو دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. آپ ہی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج. آپ ہی موقع سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے. سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے. میرے اللہ میری قوم کو ذلت سے وصدق رسوله النبی الکریم. آج کے ہمارے جلسے کی شان آن بان ہم سب کی جان حد عزیز لاڈلے اور پارلیمنٹ میں گونجنے والی آواز
जोरदार तालियां आप एक बार बजाएं। मेरे दोस्त मेरे साथी लगवा के खासदार, मुझे खासदार कहते हैं और यकीन नाम खास है, खासदार मेंबर पार्लियामेंट मोहिबुल्ला नबी साहब, इस शानदार इजलास को पर्दा पाए जिन्होंने सजाया। यकीन प्रोग्राम को सजाना कोई हंसी खेल नहीं है, झट्टा सा प्रोग्राम को सजाना कोई हंसी खेल नहीं है। और पूना में इतने बिजी लोगों को जमा कर देना ये भी कोई मामूली बात नहीं है। मैं समझता हूँ कार्यकर्ता साहब के लिए बहुत आपका नहीं आने का होगा। कहना ये तो थोड़ा कम है, अपन कोई भी कोई नहीं कह रही है ऐसा। जगताप भाई वक्त थोड़ा कम है तो मैं सोचता हूँ कि 2020 कह रही। चलिए आज का अनुमान है दिलशाद भाई, आज का अनुमान है हमारा जो जमीयत के उलमा ने इस प्रोग्राम को सजाया। तो पहले थोड़ी सी झलक मैं जमीयत के उलमा के ताल्लुक से कह दूं, क्योंकि मेरे नौ मुस्लिम भाई, मेरे हिंदू भाई बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनके सामने ये पैगाम पहुंचा दूं और कैमरों के जरिए से मेरे अपने चैनल के जरिए से पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम देखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बात कह दूं कि जमीयत के उलमा ये उस संगठन है कि उस वक्त यहां से ध्यान देना, उस वक्त जब इस मुल्क पर गोरों का आतंक बड़ा बढ़ गया था, गोरों का जुल्म बढ़ गया था और ये मुल्क में गोरे उस वक्त ये काम कर रहे थे कि डिवाइड एंड रोल, लड़ाओ और राज करो, तो उस वक्त मुल्क को गोरे जालिमों और कातिलों से आजादी दिलाने के लिए हम बड़े गर्व से कहते हैं कि पहली लाइन में अगर कोई खड़ी की तो जमीन के परमा मुजाहिदीन आजादी की संगठन कहा जाता है। और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस संगठन के हमारे जितने ऐसे दाढ़ी वाले, टोपी वाले, साफे वाले, मगर क्या करें, ये जो स्वतंत्र सेनानियों का चेहरा था अब इन खबीसों ने हमको बदनाम किया। चलिए आइए अब मैं आपको ये जुमला ध्यान देना कि उस वक्त जमीयत के उलमा ने गोरे अंग्रेज जब नफरत फैलाकर हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाकर डिवाइड एंड रोल, लड़ाओ और राज करो, कुर्सी हासिल करो, सत्ता हासिल करो, इख्तदार हासिल करो, हुकूमत हासिल करो, तो उस वक्त के जो गोरे अंग्रेज ये काम कर रहे थे जमीयत के उलमा ने उस वक्त मैदान में कदम रखा था। और आज जमीयत के उलमा पूना ये ऐलान करती है कि गोरे अंग्रेजों को हमारे बाप दादा ने भगाया था और काले अंग्रेजों को अब हम भगाएंगे। अच्छा उनके और उनके डीएनए में फर्क भी नहीं, इस टाइम में इनमें कोई फर्क नहीं है। मेरे यारों सुनो, जब ये कबूमा हिंदू है जिसका मुल्क पर एहसान है, मानवता पर एहसान है, देश पर एहसान है, देशवासियों पर एहसान है, जमीयत के उलमा ने मुल्क की जंग की आजादी को लड़ा और यही नहीं उस वक्त से आज तक जमीयत के उलमा मानव सेवा करती चली आ रही है। मैं मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों को यही बता दूं, मैं बड़े फख्र से कहता हूं, बड़े गर्व से कहता हूं कि 20 साल से हम इस संगठन से जुड़े हैं और हमें गर्व है कि जमीनी आफत आ जाए या आसमानी आफत आ जाए या दंगे या फसाद हो जाए, हम गर्व से कहते हैं कि सबसे पहले जात और धर्म देखे बगैर हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए अगर कोई संगठन पहुंचती है तो वो जमीयत के उलमा ने। और आज सुना वालों और मेरे यारों सुना वालों, आज भी जमीयत के उलमा ने देखा कि मुल्क में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको ये काले अंग्रेज लड़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा औकाफ को थोड़ा सा ही छेड़ूंगा क्योंकि औकाफ के मास्टर यहां बैठे थे मोहिबुल्ला नबी साहब, जिन्होंने पार्लियामेंट में औकाफ की आवाज बुलंद की, औकाफ को वो जरूर बोले थे। मैं थोड़ा सा ही छोड़ूंगा जनता भाई, औकाफ हमारी शरीयत, हमारा दीन, हमारा धर्म और मुझे खुशी है कि हमारा संविधान के लिए तौसीया कहता है। ये जुमला सुनना, हमारा संविधान, हमारा दस्तूर के लिए तौसीया कहता है और ये इस देश की खूबसूरती है, ये इस देश की खूबसूरती है कि हमारे संविधान ने ये खुलकर कहा है कि इस मुल्क में ब्राह्मण को,
خصوصی ہے کہ میرا سمجھان کہتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے مذہب پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی عادت ہے. لیکن یہ بھی سمجھان کے بھی دشمن بنتے ہیں, یہ سمجھان کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ جو وقف کا مسئلہ ہے یہ پیوندی ہمارا اپنا مذہبی مسئلہ ہے پیوندی. اور یہ بھی خاص بات ہے کہ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, کرسچن بھائیوں کا بھی مسئلہ ہے, پارسی بھائیوں کا بھی مسئلہ ہے اور سبھی سماج کے لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ جتنی مسجدیں بنی ہیں, جتنے مندر بنے ہیں, جتنے گرودوارے بنے ہیں, جتنے چرچ بنے ہیں, یہ تمام کے تمام یہ سب کے سب اپنے اپنے دھرم کے اعتبار سے وقف ہے, وقف ہے. لیکن اب یہ بنوائے حکومت, یہ جو حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے کہ سب سے پہلے بڑی مائنورٹی کون سی ہے, ارے بولو نا بھائی سوچو بولو, بڑی مائنورٹی کون سی ہے, مسلمان. تب یہ چور حکومت ٹرائی مار رہی ہے, کیا کر رہی ہے, ٹرائی مار رہی ہے کہ بڑی مائنورٹی مسلمانوں کی ٹرائی مار رہی ہے اور مسلمانوں کی اوقاف کی زمینوں کو چھیڑ خانی کر کے اوقاف کی زمینوں پر ان کی نظر ہے. اور پھر میں پارسی بھائیوں سے کہتا ہوں, میں کرسچن بھائیوں سے کہتا ہوں, میں ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ چور حکومت کی نیت خراب ہے. جب 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 اگر آپ ہم سب ایک ساتھ مل کر اس حکومت کا مقابلہ نہ کریں تو آگے چل کر ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی ڈوبے گے. سب کی باری ایک ایک کر کے آنے والی ہے, سب کی باری. میں ایک مثال دیتا ہوں کتا بھائی, کہ دیکھیے آپ اپنی مرغی کا پنجرا دیکھو گے, مرغی کا پنجرا, مرغی کے پنجرے میں 10-20 مرغیاں رہتی ہیں, مرغیاں جو کسئی ہے مرغی کا اپنے والا تھا, میں خود بھی وہی ہوں. وہ پنجرے میں ایسا ہاتھ ڈالتا ہے, جیسے وہ ہاتھ ڈالتا ہے ایک مرغی کو پکڑنے کے لیے, کیونکہ گراہک آیا ہوا ہے, ایک مرغی کو پکڑنے کے لیے وہ ہاتھ ڈالتا ہے تو دوسری 15-20 مرغیاں پھڑ 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 کر کے پیچھے چلی جاتی, وہ ایک کو پکڑ لیتا, لے لیتا, اندر جو 15 مرغیاں وہ ٹینشن فری ہو جاتی ہے, اپن بن گئے. اب بول, ارے بولو بچ گئے. لیکن ان 15 مرغیوں کو معلوم نہیں ہے کہ 13 بھی نمبر آنے والا, ارے بولو. مولانا صاحب
लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। और ये चोर हुकूमत कहती नहीं 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 हम बैठेंगे और हम खर्चा करेंगे, ऐसा होने। अरे बोलो, अच्छा एक बात और सुनो, वक्त की कमी हम इसलिए भी छोड़ रहे साहब, हम इतनी खतरनाक कौम है, अगर सबकी बहन एक हाथ अगर जमीन में घुस गई अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी छोड़ दूंगी। सगा भाई अगर एक हाथ घुस गया तो उसको भी छोड़ देंगे हम। अगर अच्छा देखो हम कितने खतरनाक बिहेवियर से पॉजिटिव में बोल रहा हूं कि अगर हमको ये पता चल गया, पूरा हमारा ये मिसाल सुनना, अगर हमको ये पता चल गया कि बंगाल में 1950 में हमारे अब्बा गए थे, ये जुमला सुनिए, अगर हमको ये पता चल गया कि बंगाल में 1950 में अब्बा गए थे और वहां उनको एक 3000 स्क्वायर फीट का प्लाट बहुत पसंद आया था, अब्बा ने 1950 में वो प्लॉट लिए थे, हम कभी बंगाल नहीं गए, लेकिन अगर किसी ने बता दिया कि तेरे बाप ने बंगाल में एक प्लॉट लिया था, कसम खुदा की बंगाल जाएंगे, बंगाल जाएंगे और केस लड़ेंगे। तो हम जब अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं तो किसी चोर को अल्लाह की जमीन कैसे खाने देंगे।
भी बेकना है, जज्बात भी नहीं आना है। मेरा मशहूर डायलॉग है, मैंने पूरा में चार पांच बार ये कहा है, मैं जवानों को अक्सर ये कहता हूं, कभी हालात को समझो। हम क्या करते हैं, जज्बात में आकर रोड पर आते हैं और फेंकते क्या, अरे खतरे, और खाते क्या, गोलियां। तो मेरा डायलॉग पूरे हिंदुस्तान में के मुसलमानों पत्थर फेंक कर गोलियां खाने के बावजूद चाचा पत्थर फेंक कर गोलियां खाने के बावजूद चाहे बंद करो। इस वक्त एक और प्रश्न तो बड़ी प्यारी बात मेरे सामने आने आ गई। मैंने एक जगह फसाद हुआ, एक जगह डेढ़ महीने पहले फसाद हुआ, करबला का मैदान थोड़ी है जो सब पानी की चीज हो। तो अब डेढ़ महीने जगता भाई गणपति उतरने के पांच दिन पहले वहां के लोगों ने मुझसे कहा कि मुफ्ती हारून साहब, जमीन के कोरोना संगठन जो तुम्हारी राष्ट्रीय एकता का अमन का शांति का काम करती है, एक प्रोग्राम लीजिए। मैं उस जगह पर गया गणपति उतरने के पहले, मैंने जवानों को समझाया, अल्लाह की कसम आज तीन दिन पहले वहां के लोगों का फोन आया कि मुफ्ती साहब दोनों त्यौहार बड़े खैर और अमन और शांति से गुजर रहे। मैंने कहा सुनो मुसलमानों, रमजान में रोजा रखते हो, रोजे ने हमको हमारे परिषद में हमारे नबी ने कहा कि रोजे की हालत में लड़ो मत झगड़ो ना। हमारे नबी ने क्या कहा, रोजे की हालत में हमारे परिषद ने कहा कि लड़ो मत झगड़ो ना। हमारे परिषद ने कहा कि रोजे की हालत में अगर तुमसे कोई लड़ता है तो उसको कह दो मेरा रोजा है। ये नबी ने सिखाई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको कहो मौके पार नहीं बैठा, तब भी मौके पार ले फिर देखेंगे कि इसमें कितना हमारे लिए रोटा खोल देंगे। ऐसा नहीं, हमारे नबी ने कहा कि रोजे की हालत में अगर तुमसे कोई बहस करता है लड़ता है तो उससे कह दो कि मेरा रोजा है। तब मुसलमानों सुनो, पूरा के मुसलमानों पूरे हिंदुस्तान में मेरी बात जाएगी कि मैं पूरे चालों को समझा। और उस वक्त जब
गांधी जी को साथ लिया और ये भी तारीफ है इसलिए कि गांधी जी को एकता का माहौल बनाने के लिए पूरे मुल्क में जमीयत उलमा के फंड से गांधी जी को मनाया गया। दुनिया में अमन प्यार के
بولنا